कॉन्शियसली फैलता राइट। तो अल्लाह ने सूरह आराफ की, मैं हमेशा कहता हूँ सूरह आराफ जरूर पढ़िए जब आपको जब भी मौका मिले, पहली 30 आयतें पढ़ लें, अगर आपकी ज़िंदगी ना ट्रांसफॉर्म हो तो मुझे पकड़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इतना बड़ा दावा करता हूँ, क्या मतलब रहता है मुझे पकड़ लेना अगर ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म ना हो। पहली सिर्फ 30 आयतें, उनमें भी आयत नंबर 16 सबसे बड़ी गौर से पढ़नी, और उसमें भी एक ही लफ्ज़ है उसको समझ लें, और वो लफ्ज़ है अगवैतनी। कहता है कि ओ अल्लाह जो तूने मुझे गुमराह किया, अब क्योंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है इसलिए अब मैं तेरी सारी क्रिएशन को गुमराह करूंगा, डिप्रेस करूंगा। लेकिन सवाल यहाँ ये है, क्या उसे अल्लाह ने गुमराह किया था? कैसे हुआ? अपने दिमाग से या अल्लाह के हुक्म से? अपने दिमाग से। लेकिन जब उसने ये कहा कि अल्लाह ने तूने मुझे गुमराह किया, मैं यहाँ बैठा इससे बात कर रहा हूँ, इस दरवाजा खुले, एक बंदा अंदर एंटर हो और आके मुझे मारना शुरू कर दे या इनको मारना शुरू कर दे, आपको वजह भी नहीं पता क्या है, तो आप लोग क्या करेंगे? उसका साथ देंगे, हमारा साथ देंगे? हम मजलूम है, वो जालिम है ना जी। तो नऊज बिल्ला इबलीस ने किसको जालिम बना दिया? जब उसने ये जालिम नऊज बिल्ला बना दिया अल्लाह को, तो अब वो हो गया मजलूम, मैं तो माली है, विक्टिम हो गया। अब मैं विक्टिम हूँ ना, उसके हिसाब से बात हो रही है। अब जो विक्टिम है उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, ऐसे ही आज सोचते हैं। अच्छा ये असर अल्लाह सुब्हान तआला ने बता दिया, हिज़्बुश शैतान का रास्ता है विक्टिम मेंटेलिटी का रास्ता, ब्लेमिंग का रास्ता। आप आज स्टीवन कवी, नेपोलियन हिल्स, डेल कार्नी, यू नेम अ राइटर, वो सब ये कहते हैं कि जो अनसक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, दे ऑलवेज आर विक्टम्स एंड ब्लेमर्स, वो हमेशा इसी मेंटेलिटी में रहते हैं भाई। सो आज देखें क्या है, अभी साहब क्या यूनिवर्सिटी का माहौल खराब है, मुल्क खराब है, ये लोग बदल नहीं रहे हैं, मुआशरा नहीं बदल रहा है, हमारे उस्ताद अच्छे नहीं है, हमारा घर अच्छा नहीं है, ये सारा कुछ अगर अच्छा नहीं है खुद से, तो फिर कसूर किसका है? हम तो विक्टिम मजलूम है ना, हमारा क्या कसूर है? हमें माँ बाप अच्छे नहीं मिले, मुझे उस्ताद अच्छे नहीं मिले, मुझे टीचर दोस्त अच्छे नहीं मिले, तो मैं तो ऐसे ही बनना था यार, मैंने तो प्रोग्राफी में पढ़ना ही पढ़ना था। ठीक है, अभी मेरे पास एक बच्ची का केस आया, मैं शेयर नहीं बताऊंगा, वो बच्ची 8 साल की उम्र में, उसकी कजन ने, उसके कजन ने उसको पर्नोग्राफी क्लास में डाला, रेप करते थे उसके साथ, ठीक है, 8 साल की उम्र, वहां माँ के पास गई तो माँ ने कहा तुझे शर्म नहीं आती अपने भाइयों पर इल्जाम लगाती है? अच्छा जी जी जी, इंडिया से है वो बच्ची, ठीक है, 8 साल की उम्र से वो इसके साथ हो रहा है, और अब वो आज वो 21 साल की है, वो कहती है सर मुझे आज रियलाइज हो चुका है कि मेरे साथ इतना जुर्म है, मैं इस जुर्म के ऊपर निकलना चाहती हूँ, मेरी हेल्प करें। सो अगर वो कंटिन्यू करना चाहती तो विक्टिम मेंटेलिटी में आगे कंटिन्यू कर सकती थी, राइट। अच्छा इसी सूरत में आगे चलते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को क्यों निकाला? मैं इस तौजीह पे नहीं जाऊंगा कि अल्लाह की रजा थी, मुझे अल्लाह के हर रजा में ना मेरा रब हाथ साथी है, ना इस कायनात में कोई चीज हाथ साथी होती, बिल्कुल ठीक है। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज हैविंग समथिंग एल्स, एक लेसन है। कभी मौका मिला तो मिराज के ऊपर बता दो, मिराज का हर स्टेप एक लेसन है जो हम समझ ही नहीं पाते, ठीक है, हमें कोई मिराज के वाकये में कोई लेसन नहीं बताते क्या लेसन है। सो क्यों निकाला था आदम अलैहिस्सलाम को? खता थी। अच्छा तो आदम और हव्वा ने आम तौर पे क्या कहा कि हमें ये बताया था कि उनका या अल्लाह तो हमें माफ कर दे हमसे, हम शैतान के बहकावे में आने से ही बताया गया, अस्तग़फिरुल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला पे बोतान है। अच्छा अब क्यों मैंने ये लफ्ज़ बोला? मेरे नज़दीक अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में कहते हैं हमने आदम और हव्वा को कलामात सिखाए, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे मुझे शैतान के बहकावे में आ गया। ये एक तरफ अल्लाह कह रहा है ये हिज़्ब शैतान का कलमा है, क्या अल्लाह आदम को ये कलमा सिखाएंगे? क्या कलमा सिखाया? I take responsibility of my action। आज आप किसी बड़े से बड़े राइटर को पढ़ लें, वो कहता है कि successful people are only those who take responsibility of their actions। जब जब अल्लाह ने कहा कि I take responsibility of my action, then उसके बाद consequences को bear करना है। Consequences होंगे। But first you understand who is at fault। So मैं खत्म इस बात को इस तरह से करता हूँ क्योंकि मैंने टाइम पे बात करनी थी लेकिन मुझे टाइम पे बस सिर्फ एक मतलब एक मिनट का निकाल दे तो मैं टाइम पे टाइम के हवाले से मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि मेरी शादी जब हुई ना आज से 21 साल पहले तो 12 से 3 का टाइम था हमारे कार्ड पे छपा हुआ। वो आप कहते ना कि गवर्नमेंट को चाहिए घड़ियाँ लगानी, तो गवर्नमेंट घड़ियाँ लगाएगी तो फिर मैं शैतान के आश्रम में आ जाऊँ, मैं हिज़्बुल्लाह में जाना चाहता हूँ। तो
11:50-45 पे मैंने अपने ससुर मतलब दरवाजा बंद करे, मैंने उन्हें फोन किया, मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा कि हम लोग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। वो नहीं 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 अभी तो हम लोग तैयार भी नहीं हुए, आप वेट करें। ठीक है, मैंने कहा कि आई एम सॉरी, मैं तो पहुंच जाऊंगा। 11:55 11:59 पे हम लोग गेट पर खड़े थे। उन्हें आप सब ये हॉलीडे होटल बना था कॉलेज में मुंशिला पानी के पास, ये पहली पहली बारिश थी, मतलब उनका पहला उनका ही पहला इवेंट था ये। तो मैं वहाँ पर पहुंचा, मैंने कहा कि हम तो पहुंच गए हैं। तो उन्होंने कहा 11:59 पे, उन्होंने कहा अच्छा आप लोग वेट करें हम आ रहे हैं। तो 12:15 पे वो लोग आए। ठीक, हम अंदर बैठ चुके हुए थे। अच्छा उसके बाद फिर बाहर निकले, फिर दोबारा हमारा इस्तकबाल किया गया। बेगम को उसके जो मेरा ब्रदर लॉ है वो उनको लेके पहुँचा, तो गाड़ी में रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। वो तकरीबन 2:30 पहुँचे। अच्छा वो 2:30 पहुँचे तो अब मैं वहाँ पर बैठा हुआ ना, मैं सिटी मास्टर था, मैं कह था आओ तस्वीर खिंचवाओ, जाओ आओ तस्वीर खिंचवाओ, जाओ आओ तस्वीर खिंचवाओ, जाओ आओ तस्वीर खिंचवाओ, जाओ। 2:59 पे हम लोग गाड़ी में बैठे थे। मैं कहा मैम कहीं खाना खाना नहीं खाना, रास्ते में खराब हुआ, बैठे बैठे टाइम से बाहर निकल नहीं सकते। 2:59 हम गाड़ी में थे सारे लाहौर के। मेरी भाई में शादी जो है ना वो बट फैमिली में हुई है, तो मुझे सारे बट साहबान थे ना, वो सारे स्वतंत्र दाखिल हो रहे थे अंदर। ठीक है, तो वो सारे जो आ रहे थे उसके लिए सहेली, मैंने कहा जी सहेलियाँ हैं, दोस्त हैं, अल्लाह हाफिज, आप लोग बैठे खाना खाएं। आज तक उनकी फैमिली इस चीज़ को याद रखती है कि बात यह है कि मैं अगर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा तो मुझे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना करम है मुझ पर कि नबी सल्लम की एक मैं जब से जितना मैं सोच इस किताब पे काम कर रहा हूँ उसका टॉपिक है इस्लाम कुरान एंड माइंड साइंसेस। और जितना मैं माइंड साइंसेस को पढ़ रहा हूँ उतना मेरा इस्लाम मुझे समझ आ रहा है। जितना मैं बॉडी लैंग्वेज एंड माइक्रो एक्सप्रेशंस मेरा मेन फोर्टे है, जितना मैं बॉडी लैंग्वेज को पढ़ता हूँ उतना मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैनरिज्म समझ आते हैं। ठीक है, मैं हैरान हो जाता हूँ कि अल्लाह मेरे माँ बाप का सारा कुछ कुर्बान आप सल्लम का, कि सोशल स्माइल का मेरा मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि पहले एक दफ़ा मैंने मुझे किसी मैंने वीडियो में सोशल स्माइल के बारे में बताया तो मुझ पर फतवा एक लगा दिया किसी साहब ने, उन्होंने कहा कि आपने ये कैसे कह दिया कि नबी सल्लम का स्माइल जो है वो फेक है। मैंने कहा मैंने फेक नहीं कहा भाई, सोशल स्माइल का है। सोशल स्माइल का मतलब है कि हर वक्त आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए। नबी सल्लम के चेहरे पर तो वो जहल ने भी बगैर मुस्कुराहट करने का मुंह देखा। ठीक हो गया। अच्छा अब वो हमारे यहाँ पर इतना फुकदान है इसका और इसकी हालत कोई नहीं, और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी बस। तो एनीवेज, तो टाइम जो है ना जी वो उसकी पाबंदी वो ना करना मेरे नज़दीक हिज़्बुश शैतान की तरफ जाने का पहला रास्ता है।